मैं आज बात करने वाला हूँ कौन सी बातें फीमेल को एक मेल की तरफ अट्रैक्ट करती रहती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेक्सुअली डिज़ायर नहीं है या मेरी वाइफ मेरी तरफ अट्रैक्ट होती नहीं है या वो सेक्स को नकार देती है, ना बोलती है, ऐसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है। एक तो उसमें क्या है कि वो खुश नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको क्लाइमैक्स आता नहीं है, उसको ऑर्गेजम नहीं है और उसको मज़ा नहीं आ रहा है, एक कारण हो सकता है, या फिर बाकी और कुछ कारण है जो कि मैं भी बताने वाला हूँ। नंबर एक कि भाई आप उसको पूछते नहीं हैं। क्या होता है कभी कभी बहुत बार ज़बरदस्ती के जैसा होता है या उसकी सामने वाले की इच्छा नहीं, वो अलग मूड में है और आप जाते हो और बोलते कि नहीं मुझे सेक्स करने का है, तो उसमें प्रॉब्लम आता है। सो यू हैव टू आस्क एंड रिक्वेस्ट कि भाई ऐसा ऐसा है और प्लान। इसके साथ साथ क्या प्लान करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, आस्क करते हो, मतलब पूछते हैं तो सामने वाला लगता है कि मुझे पूछा गया है, मेरी कंसेंट ली गई है, ऐसा उसको लगता है। एक लगना वो बहुत महत्व का है कि भाई मेरे ऊपर कोई अत्याचार ज़बरदस्ती नहीं हो रही है। सो पहला जो पॉइंट है वो है आस्क, पूछना, विनती करना, प्लान करना, ये पहला पॉइंट। नंबर दो, कीप अ स्पेस। कीप अ स्पेस मतलब ऐसा है कि आप साथ में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा ओवर फैमिलियरिटी हो गई तो उसमें प्रॉब्लम आता है, ऐसा रिसर्च बताता है, स्टडीज बताती है कि आपकी स्पेस होना जरूरी, मतलब आइडेंटिटी दोनों की अलग अलग है ना, तो वो स्पेस होना जरूरी है। और स्पेस रखते हैं तो उससे भी फिर औरत सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है मेल की तरफ। नंबर तीन, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको बताने का है कि भाई आप उतने अट्रैक्टिव है और उसने आपको चूज़ किया है। देखो मैं बात क्या बता रहा हूँ कि भाई औरत ने आपको चूज़ किया है, इस तरह का आपने पेश आना है, मतलब इट इज़ हर चॉइस, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो फिर आपको किस तरह बर्ताव करना पड़ेगा, किस तरह उससे बात करनी पड़ेगी, किस तरह समझना होगा, क्या करना, वो आपको ठहराने का है। वो आपको चूज़ कर रही है, वो आपको सिलेक्ट कर रही है, वो आपको आपका चुनाव कर रही है कि अभी मेरे को सेक्स करना है, ऐसा इस तरह यदि होता है तो वो बहुत अच्छा होता है और उसमें सेक्स बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा सेक्स होता है। इंटीमेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे ये पहले मैंने बोला उसके खिलाफ है, इंटीमेसी का मतलब ऐसा होता है कि औरत को ये लगना चाहिए कि नहीं मेरा हस्बैंड बहुत ही केयरिंग है, मेरा हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनली मुझे समझता है। तो ये जो इंटीमेसी है वो इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है। एक बार इंटीमेसी है तो फिर वो कभी भी ना नहीं बोलेंगे। रिसर्च में ये भी हो गया, एक उन्होंने नाम दिया है सेलिब्रेटेड अदरनेस। सेलिब्रेटेड अदरनेस का मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल मतलब उसको ये समझना चाहिए कि मेरी आइडेंटिटी अलग है, इसकी आइडेंटिटी अलग है और दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और वो सेलिब्रेट करते हैं अदरनेस एक दूसरे का। तो उन्होंने नाम दिया इसको सेलिब्रेटेड अदरनेस। और वो यदि है दोनों में कि दोनों की इक्वल आइडेंटिटी, दोनों एक दूसरे को मानते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, दोनों की आइडेंटिटी अलग है, तो उसमें सेक्सुअली ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर अफर्मेशन। मतलब ऐसा है कि एक इस तरह का कि भाई वो लेडी जो है वो अट्रैक्टिव है, आपकी डिज़ायर होती है उसके तरफ जाने की और आपकी इच्छा है, उसके साथ साथ भाई उसकी भी इच्छा होनी चाहिए और उसकी भी डिज़ायर होना चाहिए, आप भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि ये स्टडीज में पाया गया है कि जितना ज़्यादा फैट है तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस निकल जाता है। तो फैट कम से कम मस्कुलर बॉडी है और आपका पोस्चर, आपका बर्ताव, मतलब इस तरह का है कि एक एक लेडी, कोई भी लेडी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने जैसी आपकी मतलब पर्सनैलिटी है। तो यदि है और वो आप यदि उस तरफ पेश आते हो तो डेफिनेटली आपकी पत्नी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स है कि भाई लेडीज़ ने अट्रैक्ट कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कब होती है, इसके बारे में। और यदि आप ऑब्जर्व करते तो डेफिनेटली आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की,
और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।